हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज मैं आपको पालक से बने एक बहुत ही आसान, बहुत ही नए और बहुत ही ज़्यादा चटपटे से इवनिंग स्नैक की रेसिपी देने जा रही हूँ। इस पालक स्नैक की रेसिपी को अगर आप खाएंगे तो बाकी सारे स्नैक की रेसिपीज भूल जाएंगे। बहुत ही आसान है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। तो अगर आप भी पकौड़े और समोसे वही पुराने स्टाइल के खा के हो चुके हैं बोर, तो इस नए नाश्ते को शाम के टाइम में ट्राई करें। मेहमानों के आगे इसे सर्व करके देखें, वो आपसे इसकी रेसिपी पूछे बिना नहीं रह पाएंगे। तो अगर आपको आज की पालक की ये बिल्कुल नई, टेस्टी और यूनिक सी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक कर दें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो हम सबसे पहले इसकी स्टफिंग तैयार करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिया है 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू, जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है। आप चाहें तो अच्छे तरीके से मैश भी कर सकते हैं, कोई भी लम्स नहीं होना चाहिए। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्ची, तीखा अपने हिसाब से रख सकते हैं कम या ज़्यादा। साथ ही मैं ऐड कर दूंगी 1/2 कप के करीब बारीक कटा हुआ हरा धनिया। फ्लेवर के लिए कुछ मसाले ऐड कर देंगे, जैसे कि 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच ही चाट मसाला, 1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला। साथ ही ऐड कर देंगे स्वाद के अनुसार नमक। अब सभी चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारी क्विक एंड ईजी सी स्टफिंग तैयार है। अब हम बैटर तैयार करेंगे। एक बाउल में ले लेंगे 1 कप बेसन। बेसन में ऐड कर देंगे 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और स्वाद के अनुसार ऐड कर देंगे नमक। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका एक गाढ़ा सा घोल तैयार कर लेंगे। जैसा हम पकौड़ों के लिए घोल तैयार करते हैं, उसे थोड़ा सा पतला होना चाहिए। आप देख सकते हैं घोल मैंने तैयार कर लिया है। इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी होनी चाहिए। अब यहाँ पे जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है पालक, उसे मैंने लिया है 10 से 12। इस रेसिपी के लिए थोड़े से बड़े साइज के पत्तों का यूज करना है आपको। पत्तों के साइज में थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है। पत्ते आप देख सकते हैं थोड़े से मुड़े हुए होते हैं। पत्तों को हमें बिल्कुल सीधा करना है और बिल्कुल ही सॉफ्ट करना है, क्योंकि बिना इसके हम अगर किसी चीज को इससे रैप करते हैं तो वो खुल जाएगी। तो हम इसके ऊपर थोड़ा सा बेलन चला लेंगे, जिससे कि इसके बीच की डंठल बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगी। बहुत ही कम बेलन चलाना है और आप देखेंगे इसके बीच की जो डंडी होती है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गई है। अब हम इसमें किसी भी चीज़ को, किसी भी स्टफिंग को रैप करेंगे तो ये आसानी से रैप हो जाएगी और ये खुलेगी नहीं, क्योंकि बिल्कुल ये सॉफ्ट और लचीली सी हो गई है। इसके पीछे की जो एक्स्ट्रा डंडी है उसे हम कट कर लेते हैं। इसी तरह से सभी पत्तों को हम तैयार कर लेते हैं। आप देख सकते हैं सभी पत्तों पे बेलन चलाकर मैंने तैयार कर लिया है इन्हें। यहाँ पर स्टफिंग भी हमारी तैयार है, जो कि बहुत ही क्विक एंड ईजी स्टफिंग है। अब पत्तों में स्टफिंग करते हैं। तो एक एक पत्ता इस तरह से उठाएंगे, हाथों से ही स्टफिंग लेंगे, जिससे कि आसान पड़े हमें इसे स्टफ करना। हाथों से इस तरह से थोड़ा सा स्टफिंग को लंबाई में आकार दे देंगे और पत्तों के ऊपर इस तरह से रखेंगे और धीरे धीरे से रोल कर लेंगे। इसी तरह से सभी को स्टफ कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने सभी को रोल करके स्टफ करके तैयार कर लिया है। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। मैंने यहाँ पे बहुत ही कम तेल लिया है, शैलो फ्राई करूंगी मैं इन्हें। यहाँ पे बैटर भी हमारा रेडी है। बैटर में इन पालक रोल्स को एक एक करके हम डीप कर लेंगे और तेल में छोड़ते जाएंगे। बेसन की कोटिंग को एक्सेस नहीं रखेंगे, थोड़ा सा इस तरह से टैप कर लेंगे ताकि एक्सेस निकल जाए इसमें से बेसन। इसमें हल्की हल्की सी कोटिंग रहेगी तो देखने में भी अच्छा लगेगा और खाने में भी अच्छा लगेगा। तो बेसन में डिप करते हुए मैंने पालक रोल्स को डाल दिया है फ्राई होने के लिए। सभी चीजें इसमें पकी पकाई हैं, सिर्फ बेसन को पकना है तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। पालक बहुत जल्दी से पक जाता है। 2 से 3 मिनट के अंदर ये अच्छे से मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई होकर तैयार हो जाएंगे। देखिए पालक रोल कितने अच्छे फ्राई हुए हैं, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रिस्पी। सभी को निकाल लेते हैं। दूसरा बैच भी इसी तरह से हम फ्राई कर लेंगे। सो गाइस, सभी स्टफ्ड पालक रोल बनकर हो चुके हैं तैयार, जो कि है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी, बहुत ही यूनिक सी रेसिपी है। ज़रूर ट्राई करें और अपना फीडबैक ज़रूर दें गाइस। आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहता है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो उसे लाइक करना ना भूलें।
साथ ही शेयर करना ना भूलें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। मैं हमेशा ही आपके लिए बिल्कुल न्यू क्विक एंड इजी रेसिपीज लेकर के आती हूँ, वो रेसिपीज जो टेस्टी होने के साथ साथ आपका टाइम और पैसे दोनों बचाएं। ऐसे ही यूनिक न्यू क्विक एंड इजी रेसिपीज आगे भी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही में बेल बटन को प्रेस कर लें जिससे कि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए, और ये बिल्कुल फ्री है। सो बाय गाइस, सी यू सून ऑन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस, थैंक यू सो मच।